वेलकम टू चिकट ऑल इंडियंस। चिकट ऑल इंडियंस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ लेके आए हैं कि इसकी कितनी कट ऑफ रह सकती है और कितनी जा सकती है, साथ में प्रीवियस ईयर की कितनी कट ऑफ गई थी उससे आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। साथ में रिजल्ट की आपको बताने वाले हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और इतना डिले क्यों हुआ, ठीक है, इसके बारे में भी आप थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले इसकी कट ऑफ के बारे में हम आपको बता दें, तो चलिए पहले देख लेते हैं प्रीवियस ईयर की ये कट ऑफ आपको दिखा दें। तो ये प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो ये जो कट ऑफ है ये अनारक्षित वर्ग की है। जनरल की कट ऑफ 215 गई थी प्रीवियस ईयर, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग 204, अनुसूचित जाति 172 नंबर, अनुसूचित जनजाति 135 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 60 नंबर, भूतपूर्व सैनिक की 60, और जो महिलाओं की है वो 181 गई थी और होमगार्ड्स की 60 गई थी। ये आपको पिछले साल की कट ऑफ है। तो इस बार की कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो इसके लिए आपको हम बताने वाले हैं कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जनरल की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली, 195 से 205 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं इतने इसके बीच में, तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इतने नंबर अगर आ रहे हैं तो ये बच्चे अपने आप को सेफ समझ सकते हैं जनरल कैटेगरी के। आगे बात करें ओबीसी, तो 185 से 195 के बीच में अगर आ रहे हैं ओबीसी के, तो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपको दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है इतने नंबर पे। एससी कैटेगरी के अगर 160 से 165 के बीच में आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ समझिए अपने आप को और आपको दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। दौड़ के लिए ये कट ऑफ आपकी क्लियर कर सकती है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कट ऑफ तो क्लियर होनी चाहिए, साथ में 30 से जैसे एससी हैं उसमें 20 से 25 30 नंबर ज़्यादा होना चाहिए कट ऑफ से, तब फाइनल सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पर आपको दौड़ के लिए तो बुलाया जा सकता है इतने पर। बात करें सारे कैटेगरी में, एसटी पर 140 से 145 पर इतने नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप दौड़ के लिए बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको थोड़े से मार्क्स, आपको 140 के आसपास हैं बिल्कुल करेक्ट तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हैं 155 160 के आसपास हैं तब तो बिल्कुल आप फिर होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की, तो 190 से 180 से 190 के आसपास रह सकते हैं इतने अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं फीमेल्स में। बात करें एक्स सर्विसमैन 78 नंबर, अगर 78 आ रहे हैं इस बार तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं एक्स सर्विसमैन की। फ्रीडम फाइटर 72 नंबर, अगर इतने नंबर आ रहे हैं फ्रीडम फाइटर के तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। होमगार्ड 65 नंबर, अगर होमगार्ड के 65 आ रहे हैं या इसके आसपास आ रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, चांस हैं इस बार होने के, ठीक है। तो दोस्तों ये कट ऑफ थी, मैंने सारी कट ऑफ आपको बता दी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो रिजल्ट की बात है, रिजल्ट के बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे, रिजल्ट में थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ है कि UPSI का जो फॉर्म आना था वो फॉर्म भी डिले हुआ। और क्यों इसका डिले हुआ, क्योंकि जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था उस पर कोर्ट केस हो गया था और इसकी वजह से उसका फिर से रिजल्ट प्रिपेयर किया जा रहा है, फिर से दोबारा रिजल्ट उसका आएगा, ठीक है। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए सारे सभी लोग उसमें बिजी हैं, इसलिए अभी रिजल्ट ये वाला रिजल्ट जो है यूपी कांस्टेबल वाला ये बनाने में थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, क्योंकि उसे फाइनल करके उनको आपको ट्रेनिंग पे भेजना है, क्योंकि 2016 वाला पहले फाइनल हो जाएगा तब जाके ये भेजा जाएगा। वैसे उम्मीद की जा रही थी कि 25 से 26 तक आ जाएगा, तो अगर एक से दो दिन में आ पा रहा तो आ पा रहा, वरना फिर छुट्टियाँ हो जाएंगी 4 से 5 दिन की। तो आप मान के चलें कि ये रिजल्ट आपका 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में आने की संभावना रहेगी कांस्टेबल का रिजल्ट, ठीक है। और इससे पहले उम्मीद की जाएगी कि ये UPSI का रिज़ल्ट आ जाएगा, तब जाके जो नई वैकेंसीज आने वाली हैं वो आएंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।